सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अहिवा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज में। चलिए चलते हैं आज की खास खबरों की तरफ। छिंदवाड़ा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का प्रहार और शिवराज के गढ़ में गरजे कांग्रेस अध्यक्ष अमित शाह। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, कमलनाथ थके से लग रहे हैं। वे धीमे धीमे स्वर में हिसाब मांग रहे हैं, कोरे वादे कर रहे हैं जिन पे जनता का भरोसा नहीं। उन्होंने पूछा, वे यहाँ एक एम्बेसिडर लेके आए थे, इतनी बड़ी रियासत का मालिक कैसे बने, इस बात का जवाब दें। अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में सेना बुलाओ। सर्दियों के मौसम में अयोध्या का माहौल गर्म होता जा रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर यहां सियासती हलचल तेज है। एक तरफ शिवसेना और भाजपा के नेता अलग अलग दावे कर रहे हैं, वहीं आरएसएस भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को धार देने की तैयारी में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में फौज भेजने की तैयारी की मांग की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार आ रहे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है, भाजपा को ना तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और ना ही संविधान में। टीवी पर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रचार में आगे है भाजपा। नई दिल्ली टीवी चैनल पर पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के दिखाए गए हैं। इसे लेकर पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक 10 से 16 नवंबर के हफ्ते में सभी चैनलों पर भाजपा का विज्ञापन 22,099 बार दिखाया गया। विज्ञापन प्रसारण की टॉप 10 लिस्ट में भाजपा अकेला राजनीतिक पार्टी है। चीन की दखलअंदाजी से पाकिस्तान नाराज। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में चीन का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को कराची स्थित चीन दूतावास और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ हमले की मूल वजह यही बताई जा रही है। देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, प्रणब मुखर्जी, नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं, इन्हें जल्द से जल्द मूल रूप से लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने सभ्यता, संस्कृति और दुनिया के वासों में कुटुंबकम और क्षमा का पाठ पढ़ाया हो, वहां लोगों में असहिष्णुता, मानव अधिकार उल्लंघन और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैसे आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।